जी कॉल सेंटर में आपको स्वागत है। बताओ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कक्का जी कल मुझ पर नहले का दहला पड़ गया। अरे खाओ होगा, कैसे हैं? कल मेरी बीवी ने मुझसे पूछा आप मुझे रानी क्यों बोलते हो। मैंने कहा क्योंकि नौकरानी थोड़ा लंबा चल जाता है। बहुत सही राजा, बहुत सही। बहुत सही। फिर पति ने गुस्से से कहा तुम्हें पता है मैं तुम्हें जान क्यों बोलती हूँ। मैंने कहा नहीं बताओ। पति ने कहा जानवर थोड़ा लंबा हो जाता है ना, इसे जान बोल देती हूँ। जानवर। कक्का जी कल मेरी बीवी की बहुत सुंदर सहेली घर आई, मैं वहां जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद कुकर की 12 सीटियां बज गई और मेरी बीवी ने किचन में जाकर देखा नहीं कि दाल तो नहीं जल गई। ऐसा क्यों कक्का जी? सुनो, तुम्हारी बीवी सोच रही थी कुकर में रखी दाल बेशक जल जाए लेकिन वो तुम्हारी दाल नहीं गलन देगी। कक्का जी आपको पता है साइकिल किसे कहते हैं? मैं बताता हूँ, साइकिल चलाकर पैर दुखे तो बाइक लो, बाइक चलाकर पेट दुखे तो कार लो, कार चलाकर पेट दुखे तो जिम ज्वाइन करो और जिम में वापस साइकिलिंग करो। इसे कहते नहीं साइकिलिंग। रिसाइकलिंग। सही सही उदाहरण दो, सही उदाहरण दो। कक्का जी कल मेरा एक दोस्त गिर गया, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या करूं, उसे उठाऊं या आंसू? बताओ ससुर जी जमानो आएगा वो है? मतलब आदमी गिर पड़े तो हंसी निकल जाते है और मोबाइल गिर पड़े तो जान। सही जा रहे हो, सही सही जा रहे तो। नाश्ता करने के बाद आदमी पे इतना फालतू समय रहता है कि कक्कई के कॉल सेंटर में फोन लगाते रहते हैं। कक्का जी का किसी विद्यार्थी को उसका नीचे मुर्गा बना दे तो उसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है? देखो या तो भाई बर्ड फ्लू हो जाए या बाग वो बन जाए वो बटर चिकन, जी है बाग के दुष्परिणाम। आओ अगर आपके घर दावत है, मेहमान अधिक आ गए हैं, सब्जी कम पड़ गई है और बनाने का समय नहीं है, बाजार से लाने का बजट नहीं है, तो आपकी पत्नी को क्या करना चाहिए? सुनो, सब्जी में झोंक दो मिर्चे और ठास के डाल दो पानी। ससुर उनमें इतनी तमीज नहीं है कि पूरी फौज ले आके चले आते हैं रोटी खावे के लायक आपके घर है, हैं? कक्का जी अपनी माँ को बोलो आई लव यू तो क्या जवाब मिल सकता है? मतलब ये है कि बोल को रहा हो माँ से मतलब निकले। देखो जैसे मुन्ना लब्बू बोल रहे, जैसे 5 साल को बच्चा बोल रहा है माँ आई लव यू, तो माँ कहेगी आई लव यू टू बेटा। लेकिन अगर 16 साल को मोड़ा कहेगा आई लव यू माँ, तो माँ कहेगी लला हमारे पास पैसा नहीं है। और भाई अगर 25 साल को मोड़ा कहेगा आई लव यू माँ, तो माँ कहेगी को है वो छुड़ैल, कहाँ रहता है वो बताओ। और अगर 35 साल को मोड़ा कहे आई लव यू माँ, तो माँ कहेगी हमने पहले ही कही थी बाँ से ब्याह नहीं करो, अब पछताए रहे। और अगर 55 साल को आदमी कह दे आई लव यू माँ, तो माँ कहेगी हम को कागज पे साइन नहीं कर रहे, समझे? माँ से याद आई हमें अपनी माँ से बात करना है फोन पे, हैं? अब तो फोन रखो यार, हम अपनी माँ से बात कर लें। हाँ अपनी अम्मा से, ठीक है? हाँ काट रहे हम।